गोयल साहब, अभी जो आपने एक अभियान चला रखा है जल बचाने का, और उसके अंतर्गत अभी कई जगह बाढ़ आ रही है और आपने जो अभियान चला रखा है जल बचाने का, तो इनमें आप कुछ कहना चाहेंगे? ये वास्तविकता है कि बाढ़ के कारण आधा भारत परेशान है, और ये सच्चाई है कि पूरा देश पानी की कमी से जूझ रहा है। अभी पिछले दिनों चेन्नई में ग्राउंड वाटर लेवल, जमीन का पानी बिल्कुल खत्म हो गया। हालांकि डे जीरो के जो शहर हैं उनमें बंगलोर का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन चेन्नई आगे निकल गया। पानी जो बरस रहा है, अति वर्षा हो रही है, इसका कारण है कि प्रदूषण के कारण तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण या तो अतिवर्षा होती है या बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है। ये जो अतिवर्षा है, ये बाढ़ का रूप धारण करते हुए पानी आगे निकल जाता है, विनाश करता हुआ चला जाता है, और पीछे पानी की समस्या को और बढ़ा जाता है, क्योंकि जो पीने का पानी स्टोर किया हुआ होता है उसे भी वो गंदा कर देता है। पानी के का मूल स्रोत है बरसात, और जब कम बरसात होती है तो नदियों में पानी कम होता है, और जब नदियों में पानी कम होता है तो आपूर्ति के लिए भूजल का दोहन किया जाता है। भूजल दोहन इतना बढ़ गया है कि आज से 50 साल पहले जो पानी का स्तर 25-30 फुट पर था, वो आज 250 से 400 फुट तक नीचे चला गया है। और जैसे अभी मैंने बताया कि चेन्नई में पानी भूजल बिल्कुल खत्म हो गया, ये स्थिति केवल चेन्नई की नहीं, अनेक शहरों में, अनेक क्षेत्रों में ऐसी स्थिति होने वाली है कि वो खतरनाक स्थिति में है। लेकिन गोयल साहब, अभी जो बरसात हुई है, बहुत सारा बाढ़ का पानी जो है वो भूमि को रिचार्ज तो करता होगा। समस्या यही है कि हमारे देश के करणधारों ने कभी इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया जी। वास्तव में वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल रिचार्जिंग, यानी वर्षा का जल हम भूमि में उतार दें तो वो जो जल भंडार है हमारा वो बना रहता, उसके लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए, उसके लिए जो सिस्टम लगाए जाने चाहिए, वो कागजों में सरकार करती है लेकिन वास्तविकता में नहीं होता। जिन बिल्डिंगों में ये अनिवार्य है कि वो भूजल संरक्षण के लिए वो वर्षा जल संग्रहण सिस्टम को लगाएं, लोग नहीं लगाते, बल्कि उल्टा काम करते हैं कि सबमर्सिबल पंप लगाते हैं जो कि गैर कानूनी है, और उससे भूजल दोहन करते हैं, और बराबर में 5 करोड़ रुपए कोठी पे लगाने वाला व्यक्ति भी 20,000 रुपए खर्च के वो बोर्ड नहीं करवाता, वो सिस्टम नहीं लगाता। ये हमारी एक मानसिकता है। और सरकारी स्तर पर भी अभी पिछले कुछ सालों में सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए सरकारी बिल्डिंगों में लगाने के लिए आदेश दिए, वो बने, लगे, फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, औपचारिकता पूरी हो गई, कहीं भी वो पानी रिचार्ज नहीं हो रहा, जमीन में नहीं जा रहा। उसमें 90% से अधिक जो सिस्टम बने हैं वो बंद हैं, बेकार हैं। कारण कि जिन्होंने लगवाए उन्होंने औपचारिकताएँ पूरी की, उनसे तकनीकी तौर पर सही नहीं बनवाया गया, केवल वो जो सरकारी तंत्र की बात है बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं बार बार सरकार को पिछले कई सालों से लिख रहा हूँ कि ये पानी की कमी का केवल और केवल एक साधन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को संग्रहित करें और उसमें अधिकांश पानी को जमीन में उतार दें। अच्छा गोयल साहब, एक और जानना चाहते हैं हम लोग कि जैसे घग्गर का पानी है, कोई डायरेक्ट लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो जमींदार हैं, वो डायरेक्ट घग्गर के पानी को बोर में डाल रहे हैं, वो कहाँ तक ठीक है, क्योंकि उसमें तो वो केमिकल युक्त है सारा पानी। यदि वो बोर में डाल रहे हैं तो गलत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने घग्गर पे एक थोड़ा निरीक्षण सा किया था, तो मैंने देखा कि अनेक जगह वो मोटर चल रही हैं और वो पानी खेत में लगाया जा रहा है, तो वहाँ मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि वो बोर में डाल रहे हैं। वास्तव में वो पानी लंबे पाइप के माध्यम से
खेतों में सिंचाई के काम में लिया जा रहा है, और यदि सिंचाई के काम में लेते हैं तो वो सही है, लेकिन कोई भी आदमी डायरेक्टली कोई भी पानी, वो केमिकल युक्त पानी नहीं, सीधा पानी भी यदि गंदा पानी है तो उसे उसमें नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि जमीन का पानी अनेक जगहों पर पिया जाता है। और वास्तव में उन वो जो पानी सप्लाई होता है ट्यूबवेल से, हमारे शहर में भी बहुत से ट्यूबवेल लगे हैं, अनेक शहरों में अनेक जगह ट्यूबवेल से पानी सप्लाई किया जाता है पीने का, वो उसकी सफाई, उसका जो मापदंड है वो सही नहीं होता है, और यदि उसमें हम गंदा पानी डाल देंगे तो और गंदा हो जाएगा, यानी वो पीने के लिए वाजिब नहीं रहेगा। इसलिए हम जो भी पानी जमीन में उतारें, इस बात का ध्यान रखें कि वो सही तौर पर जो उसका सही ढंग है उस ढंग से उतारें। जब हम छत का पानी जमीन में उतारने के लिए एक सिस्टम लगाते हैं तो उसमें एक टैंक बनाते हैं, बीच में बोर होता है, और उस बोर से ऊपर पहले कुछ मोटा पत्थर, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर कंक्रीट, और फिर उसमें क्रशर, जो मोटी रेता होती है वो डालते हैं। उसका भाव यही है कि यदि कहीं कचरा गंदापन है, कोई मिट्टी है जो भी, तो वो उसको साफ करते हुए चला जाता है, वो पानी जो नीचे जाता है तब तक वो साफ हो जाता है। उसके साइड में एक और टंकी बना दी जाती है, दो टैंक बना करके आमतौर पर पानी को जमीन में उतारा जाता है, पहले वो पानी एक टैंक में इकट्ठा होता है इसी तरह से, और फिर वो पाइप के द्वारा दूसरे टैंक में जाता है जो बोर में के माध्यम से नीचे जाता है। तो यदि हम सही ढंग से नहीं लगाएंगे तो कोई लाभ नहीं है, बल्कि हम अच्छा करने की बजाय लोगों के साथ, जनता के साथ, समाज के साथ, देश के साथ पानी को गंदा करने में सहयोगी होंगे, तो वो एक बहुत बड़ी भयंकर भूल होगी और बहुत बड़ा अपराध भी होगा। इसलिए जो लोग भी ऐसा करें वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि केवल भावनात्मक या औपचारिकता पूरी ना करें, बल्कि उसे सही ढंग से तकनीकी तौर पे जो सही सिस्टम है उसके मुताबिक लगाएं। जी, शुक्रिया।